हेलो दोस्तों, आरआईपी फिल्म्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो रशिया और उसके परजीवी कनेक्शंस के बारे में है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी ने रशिया के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि वो कितनी बड़ी और पावरफुल कंट्री है। ये बात है 1922 से लेकर 1991 की, जब रशिया सोवियत यूनियन के रेस्ट्रिक्टेड रेजिम के कंट्रोल में था। सोवियत यूनियन अपने निर्दयता और सीक्रेसी के लिए मशहूर थी। सोवियत यूनियन की सीक्रेसी इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपनी कही बातें दूसरे देश तक तो क्या, बल्कि अपनी जनता को भी नहीं बताते थे। और आज रशिया अपनी बातों को रहस्य रखने में माहिर है। और हो सकता है कि रशिया की यही बात इन्हें इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, मेरे सेंटेंस को गौर कीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट पे। जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तब उसके साथ ही उसकी मुख्य सीक्रेट एजेंसी केजीबी का भी पतन हुआ। और इस दौरान केजीबी के कई सीक्रेट फाइल्स खतरे में आ चुके थे। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी बताते हैं कि एक्स केजीबी एजेंट्स हाई प्राइसेस में इसे स्मगल कर रहे थे। और इन सीक्रेट फाइल्स में रशिया के कुछ खास हथियार, केजीबी के एजेंट्स के इन्फॉर्मेशंस और यूएफओ एनकाउंटर्स भी थे। कुछ थियरिस्ट्स का मानना है कि इसमें 1000 से भी ज़्यादा यूएफओ एनकाउंटर्स की रिपोर्ट मौजूद थी। 1936 से 1938 रोजवेल इंसिडेंट, द ग्रेट पर्च के बाद स्टालिन की ताकत और भी बढ़ गई थी। लाखों लोगों को सताया, मारा और ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया था। इनके साथ नाम आता है रशिया के काफ़ी मशहूर फिलोसोफर और साइंटिस्ट्स डॉक्टर हेनरिक लुडविक का। इनके पास इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज थी और ये 20 एंशियंट और मॉडर्न लैंग्वेजेस बोल और समझ सकते थे। डॉक्टर लुडविक को वेटिकन के स्पाय होने का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया गया और इनको भी दशकों के लिए स्टालिन के लेबर कैंप्स में रखा गया। दोस्तों, डॉक्टर लुडविक के अरेस्ट होने के 38 साल बाद रशिया के टॉप सीक्रेट न्यूज़पेपर में उनके अरेस्ट होने की असली वजह रिवील की गई। वो आर्किटेक्चर के यंग और बहुत ही होनार स्टूडेंट थे। उन्हें वेटिकन सीक्रेट लाइब्रेरी में प्रवेश करने का मौका मिला था। और डॉक्टर लुडविक को सीक्रेट लाइब्रेरी में कुछ ऐसे मैनुस्क्रिप्ट्स मिले जिसमें परग्रहियों या एलियंस के धरती पर आने जाने का विवरण और एंशियंट सिविलाइजेशंस जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इजराइल से कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ था। कुछ मैनुस्क्रिप्ट्स में तो पिरामिड्स को एनर्जी मशीन के जैसा दर्शाया गया था। जब डॉक्टर लुडविक सोवियत यूनियन वापस आए, तब उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, जबकि वे उस समय के महान शोधकर्ताओं में से एक थे जो एलियंस के बारे में बिलीव करते थे और उन्हें जानते थे। दोस्तों, यहाँ से कई कड़ियाँ निकलकर सामने आती हैं। डॉक्टर लुडविक ने आखिर ऐसा क्या जान लिया था जिससे सोवियत यूनियन को खतरा हो सकता था? क्या डॉक्टर लुडविक की ही तरह कुछ और लोगों को भी ये सब रिवील करने से रोका गया था? दोस्तों, अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको किसी ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानना है तो हमें पोस्ट करें या DM करें। धन्यवाद।